कृष्णमणि बरुआ असम का गोहपुर का लड़का है। और मोदी जी, आपका जो सरकारी स्कीम होता है ना, आयुष्मान भारत, अटल अमृत, जितना भी स्कीम होता है, ये लोग का ट्रीटमेंट नहीं होता है। आप देखिए, अभी माँ रो रहा है, और ये मतलब लड़का को ऐसे 19 साल का लड़का है, ये माँ रोता रहता है, हमेशा रोता रहता है, क्योंकि ये लड़का का बाप जो है ना, वो इसका 7 साल उम्र में ही मर गया, और इसका घर भी जल गया था। तो अभी पूरा बेसहारा है, इसका घर नहीं है, ये दूसरा का घर में किराए में रहता है, और ये लड़का अभी उसका ट्रीटमेंट के लिए भीख मांग रहा है। मतलब हम लोग का इंडिया में ये हालत है कि आपका जितना भी सरकारी स्कीम होता है, आयुष्मान भारत, अटल अमृत, सब जितना भी स्कीम बनाता है ना, ये लोग के लिए कुछ भी बनते नहीं है। क्योंकि आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर ये लड़का का कमर टूट गया, क्योंकि लड़का लेबर काम करता था और पैर उड़ का डाली उली करता था शाम में, तो ये ऊपर से पैर का ऊपर से गिर गया, गिर के इसका कमर टूट गया। इसका गांव का जितना भी आदमी है, इसको हेल्प करने के लिए आ रहा है, सब लोग मतलब हेल्प मांग रहा है कि इसको हम लोग का असम का जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, इसे मतलब उसका ट्रीटमेंट के लिए हेल्प मांग रहा है। तो अभी देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो सरकारी स्कीम होता है ना, ये गरीब के लिए हमेशा होना चाहिए। गरीब का जो भी प्रॉब्लम हो, ये फ्री में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अभी सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं ना, तो वहाँ में जो डॉक्टर रहता है ना, उसका जो दवाई का लिस्ट होता है, वही 12-15-20 हज़ार रुपये का दवाई का लिस्ट होता है फार्मेसी का। तो आपका सरकारी हॉस्पिटल में मतलब कोई भी जो मेडिसिन है ना, वो फ्री नहीं होता है। छोटा सा हल्का मतलब ऐसे ही कोई बैंडेज वगैरह दे देता है, बाकी आपका 90% मेडिसिन खरीदना पड़ता है। तो मेरा बोलना ये है कि ये गरीब जो होता है ना, गरीब के लिए आप स्कीम बनाए, और इसका जो भी ये जैसे ये लड़का का कमर टूटा हुआ है, ये लड़का आप 19 साल का लड़का है, उसका पढ़ने वाला दिन था, तो ये लड़का, इसका ये दीदी है, वो भी बोल रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको हेल्प करिए। तो ये हालत में हम लोग का इंडिया में मतलब जो भी गरीब आदमी है ना, ये हालत होता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए ये हालत में पड़ा रहता है। माँ ऐसे रो रो के उसका सामने में बैठा रहता है, और लड़का ऐसे पड़ा रहता है, क्योंकि ये लड़का ही था जो इसका घर चलाता था। उसका बाप 7 साल में गुजर गया, और ये लड़का मतलब लेबर काम करके जैसे तैसे घर चला रहा था, लेकिन अभी इसका वो बिस्तर में पड़ा रहता है, क्योंकि वो उठ नहीं पाता है, उसका कमर का हड्डी टूटा हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, कि हम लोग का भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार आप देखिए, और हम लोग का असम का सीएम हेमंत विश्व सर आप भी देखिए, और ये गरीब जो होता है ना, इसको हेल्प करने के लिए आइए आगे, और जितना हो सके ये गरीब का ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। इसका जो भी मेडिसिन वगैरह होता है ना, ये देखिए भीख मांग रहा है। आज इंडिया में ये हालत है हम लोग का। अगर आप लोग का सरकारी हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है ना, आज ऐसा हालत नहीं होता था। बहुत दुख होता है ये बोल के कि बाहर में जो भी हम लोग वीडियो वगैरह देखते हैं ना, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग का इंडिया में जो आप लोग इतना सारा मेडिकल बना रहा है, इतना सारा हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कौन जाएगा उसमें? जो भी पैसा वाला है वही जाना पड़ेगा ना। तो भाई लोग, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये कृष्णमणि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, जैसे उसको मतलब ट्रीटमेंट फ्री में होना चाहिए।